हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आर माई इंग्लिश व्यूअर्स हु वॉन्ट्स टू वॉच द इन्ग्रीडियंट्स नेम इन इंग्लिश मस्ट जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। यू कैन फाइंड ऑल द इन्ग्रीडियंट्स नेम इन इंग्लिश ऑन माई इंस्टाग्राम। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आप लोग के साथ बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी फेस क्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बच्चों के जो टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा धूप में खेलते हैं या गर्मी में निकलते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है, उनका जो ग्लो होता है स्किन का वो खोने लगता है, सॉफ्टनेस चली जाती है, समय के साथ साथ स्किन और ज़्यादा डार्क होती जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप इस क्रीम को अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। आइए देखते हैं कि इस क्रीम की रेसिपी क्या है। उससे पहले अगर वीडियो काम की लग रही हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट करनी है आपको कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मेरी कोई भी रेमेडी को तो प्लीज़ गाइज रिप्लाई ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। आपको पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है या फिर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी है आप आ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले। क्रीम को बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। एक है पतंजलि का एलोवेरा जेल, या फिर अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल हो तो वो बेस्ट है, ये मेरे पास नेचुरल ही रखा हुआ है। इसके साथ में ये बॉइल्ड पोटैटो और हाफ लेमन, इसके अलावा आप टर्मरिक भी इसमें ऐड करेंगे। तो अब देखिए कि क्रीम बनानी कैसे। तो सबसे पहले मैं पोटैटो को पील ऑफ कर लूँगी। आप सब लोग को पता है कि पोटैटो स्किन वाइटनिंग के लिए एक बहुत ही नेचुरल अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है, जैसे लेमन स्किन वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है वैसे ये बॉइल्ड पोटैटो भी करता है। अब इसमें क्या करना है कि इस पोटैटो को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगी ताकि इसको ग्राइंड करने पे बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर मिले, क्योंकि ये क्रीम बन रही है तो इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली आराम से इसको मतलब बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए होगा। और आप इस क्रीम को 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि बच्चों का केस है। आप थोड़ी थोड़ी बना लीजिए, फ्रेश बना करके यूज़ करिए। इसके बाद नेक्स्ट मैंने इसमें एलोवेरा जेल को डाल दिया है जो कि मेरा फ्रेश एलोवेरा जेल था। इसके बाद जो ये हाफ लेमन था इसको मैंने ऐड कर लिया है, लेमन जूस निकाल करके उसका मैंने ऐड कर लिया है। ये लेमन थोड़ा रखने से इस तरीके से ब्राउन कलर का दिख रहा है, लेकिन जो चीज़ें जैसे अगर आप बहुत ही राइप बनाना यूज़ करते हैं तो उन सारी चीज़ों में विटामिन ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। इसके बाद ये है टर्मरिक, मैंने वाइल्ड टर्मरिक कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इसके बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करूंगी मैं ताकि एक अच्छा सा स्मूथ क्रीमी टेक्सचर मिल जाए मुझको। ये देखिए ये मैंने ब्लेंडिंग कर ली है और ब्लेंड करने के बाद में ये इस तरीके से क्रीम देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथ है। और अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपको लग रहा है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो आप हाफ टेबल स्पून इसमें ग्लिसरीन को भी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा और ज़्यादा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर दीजिए ताकि उसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। और अब फिर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी बोल में। आप किसी भी तरीके की कटोरी में या फिर एयर टाइट कंटेनर में करके इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और फ्रिज में आप इसको 3 से 4 दिन तक आराम से रख करके इस्तेमाल करिए और उसके बाद फिर से नया फ्रेश बना लीजिए। तो ये बन करके हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। देख सकते हैं आप कि कितनी सॉफ्ट मतलब बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, और अप्लाई करने में तो बाय गॉड इतनी ज़्यादा स्मूथ है ये। और फ्रेगनेंस अगर आपके बच्चे को ना पसंद आए तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं या फिर आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको हैंड्स पे अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ईजिली ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ना मसाज करनी है, ना उबटन की तरह अप्लाई करना है। सिंपली आपको जैसे कोई भी क्रीम आप अप्लाई करते हैं, देखिए सिर्फ अभी इंस्टेंटली मैंने अप्लाई किया आपके सामने और रिज़ल्ट आपके सामने विजिबल है। मैं आपको भी इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा सकती हूँ। देखिए ये स्किन है मेरी थोड़ी सी डल हो रखी है क्योंकि कुछ भी मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया है फेस पे। तो अब मैं इस क्रीम को डायरेक्टली अप्लाई करूँगी अपनी स्किन के ऊपर। मैंने नहाने के बाद अप्लाई किया इसका क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर तक रख लूँगी। अगर आपका बच्चा कम्फर्टेबल ना हो इसको रखने में काफ़ी देर तक, तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट भी अगर वो रख लेता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसको लगा, और अगर बच्चा चाहे, अगर आप चाहें जैसे उसके घुटने वुटने का जो एरिया है अगर बच्चे जगह में नहीं लगा सकते तो बच्चा जब सो रहा है तो आप उसकी स्किन पे आराम से अप्लाई कर दियो और बच्चा ओवरनाइट उसको बियर कर ले तो भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जिस तरह की डार्कनेस हो, जैसे आपको यूज़ करना हो, उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी इस तरीके से थोड़ी सी मसाज करिए ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, और बस इसके बाद इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए और स्किन में ये अपना इफेक्ट ज़रूर दिखाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये रेमेडी। तो देखा आप लोगों ने कितनी सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ
बाद में ये क्रीम बनाई गई है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने डाली है वो बॉइल्ड पोटैटो डाला है। आप सब लोग को पता है कि जो पोटैटो होता है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, मतलब जो शरीर की मैल होती है, गंदगी होती है, उसको काटता है। जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना कि बच्चा पहले बहुत साफ था फिर धीरे धीरे ब्लैक होता गया या डल होता जा रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट है पोटैटो। आप पोटैटो का जूस से भी बहुत सारे पैक्स बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आगे अभी रेसिपीज़ आने वाली हैं उसकी, और बॉइल्ड पोटैटो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बॉइल्ड पोटैटो का इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ मैंने डाली एलोवेरा। आप सब लोग को पता है कि एलोवेरा प्रकृति का वरदान है, उसमें इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उतनी जल्दी, मतलब सिर्फ अगर आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करते हैं तो भी उसका अच्छा इंपैक्ट आता है, अगर उसको आप पोटैटो के साथ मिक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। थर्ड है टर्मरिक। टर्मरिक भी स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस वो सुपर फूड होता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्किन में निखार आता है। नेक्स्ट है नींबू। नींबू भी नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट होता है, जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही अगर हम उसको लेते हैं बॉडी में तो भी वो हमारी बॉडी को क्लीन करता है, और अगर ऊपर से अप्लाई करते हैं तो भी वो हमारी बॉडी की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लास्ट में जो मैंने ग्लिसरीन का ग्लिसरीन को ऐड किया था। ग्लिसरीन आप इसलिए ऐड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ये क्रीम ठंडियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्लिसरीन मस्ट है यूज़ करना, क्योंकि उससे मॉइस्चर कंटेंट बना रह सकता है। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं अवेलेबल है तो आप उसकी जगह पे शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे और बनाने का मेथड था। इसको लगाना ऐसे है कि आप चाहें तो इसको रात में पूरी रात भी लगा करके छोड़ सकते हैं, अगर बच्चा बड़ा है, लाइक अगर 6+ है, 6 साल से बड़ा है बच्चा, तो वो रात भर भी इसको बेयरअप कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत पतली रखिएगा ताकि वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। और अगर छोटा है बच्चा या फिर बड़ा है फिर भी वो रात भर लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफ़िनेटली आप इसको लगा करके आधे घंटे छोड़ दीजिए और उसके बाद बच्चे को नहला दीजिए। नहलाने में आप किसी भी तरह का सोप वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका रिज़ल्ट आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप कोई ऐसी जगह पे अप्लाई करके देखना शुरू करिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों के घुटने पे या कोहनी पे या गर्दन पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा ब्लैकनेस है वहाँ पे आप इसको रोज़ अप्लाई करिए और 15 दिन के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए। डेफ़िनेटली आपको फ़र्क समझ में आएगा, और अगर आए समझ में तो मुझे भी बताइए कि हाँ इफ़ेक्टिव है ये क्रीम, तभी मैं और सारी क्रीम्स इसी बेस को लेकर के बना सकूं और आपके पास रेमेडीज़ लेकर के आ सकूं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी छोटे छोटे से बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, वो सारे रिलैक्स होकर के अपना काम कर सके, क्योंकि परेशान होने के लिए ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं इस वीडियो थ्रू उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, उनकी थोड़ी सी टेंशन रिमूव कर सकती हूँ, सो इट्स माय प्लेजर। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबी।